आज का दंगल दुनिया के सबसे बड़े स्वैच्छिक स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर हो रही राजनीति पर है। केंद्र सरकार ने 9 जुलाई को एक आदेश निकाला जिसके तहत 1966 से चला आ रहा संघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। दरअसल इंदिरा गांधी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए आचरण संहिता का हवाला देते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी के सदस्य नहीं हो सकते और न ही उनकी गतिविधियों में वो शामिल हो सकते हैं। ऐसा करने के पीछे सरकार की सिर्फ अवधारणा थी, अब वो अवधारणा बदल गई है और उस 58 साल पुराने आदेश में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम हटा दिया गया। इसी को लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। किसी का कहना है ये संविधान के खिलाफ है, कोई कह रहा है ये चुनाव में कम सीटें आने के बाद रूठे हुए संघ को मनाने की कवायद है, कोई बोल रहा है संविधान बदलने की मंशा पूरी नहीं हुई तो सरकारी दफ्तरों में पिछले दरवाजे से संघ का कब्जा कराया जा रहा है। लेकिन तमाम आरोपों के अलावा सवाल ये भी है कि जिस संघ की विचारधारा का मूल ही राष्ट्रवाद है, जो 99 वर्षों से सेवा और अनुशासन के साथ राष्ट्रीय एकता और विकास के लिए काम करने का दावा करता है, दुनिया भर में जिस संगठन की रोज 60,000 से अधिक शाखाएं लगती हों, उन पर प्रतिबंध क्यों लगा था और मौजूदा सरकार ने प्रतिबंध हटाकर क्या संकेत और संदेश देने की कोशिश की है, बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय क्या इसके जरिए और ज्यादा मजबूत होगा, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले इस पूरे मसले को लेकर आज दिन भर किस तरह से सियासत गरमाई रही उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्र सेवा और उत्थान में लगे 99 साल पुराने संगठन को लेकर जारी किया गया एक शासनादेश 58 साल बाद वापस ले लिया गया, तो जो संगठन देश की सेवा के लिए समर्पित माना जाता है उसे लेकर सियासत सुलग उठी। देश में तीसरी बार मोदी सरकार आई तो चर्चा में आ गया एक सरकारी आदेश जो यूं तो जारी 9 जुलाई को ही हो गया था, लेकिन सियासत अब उस पर सुलगी है जब संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। लेकिन ये सियासत क्यों सुलगी है ये जानने से पहले वो चिट्ठी देखें जिसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से 9 जुलाई को जारी किया गया है। इस ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के तीन कार्यालय स्मरण पत्र के आलोक की समीक्षा की गई है और उपरोक्त आदेशों में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र हटा दिया गया है। राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। सरकार के इस आदेश का मतलब ये हुआ कि अब सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस में शामिल होने या संगठन के कार्यक्रमों से जुड़ने को लेकर लगाया गया प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लेकिन ये आदेश क्या था ये भी देख लीजिए। 30 नवंबर 1966 को जारी इस ऑफिस ऑर्डर में वित्त मंत्रालय के प्रावधानों और सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि सरकार ऐसा मानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी, इन दोनों संगठनों का चरित्र ऐसा मानती है कि इसकी सदस्यता से सरकारी कर्मचारियों के लिए तय नियमों कानूनों का उल्लंघन होता है, ऐसे में कोई सरकारी कर्मचारी इनका सदस्य बनता है या संबंधित होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 1966 में जारी सरकारी आदेश के पीछे संघ और जमाते इस्लामी नाम के दोनों संगठनों को लेकर सरकार की अवधारणा थी, लेकिन अब संघ को लेकर सरकार की अवधारणा बदल चुकी है। इस तरह से मत का प्रयोग करते उस हिसाब से आप जो अपना आइडियोलॉजी है, कोई आपका थिंकिंग है, आप उस लाइन को आप लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इसमें आपत्ति का है। देश की भक्ति, भारत माता के प्रति समर्पण, ये सब सिखाया जाता है। अगर ये कोई सीखने का विरोध कर रहा है तो उनको मैं दुर्भाग्य मानता हूँ।
बीजेपी के नेता कहते हैं कि जब 7 नवंबर 1966 को संघ और जनसंघ के आह्वान पर गौ हत्या के विरोध में विशाल प्रदर्शन हुए और सरकार ने फायरिंग करके कई प्रदर्शनकारियों को मार डाला था, उसके बाद ही 30 नवंबर को सरकार ने ऐसा आदेश पारित किया था। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था और संघ ने तिरंगे का विरोध किया था। कांग्रेस आरोप लगाती है कि सरकार कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर बांट रही है। सरकार कर्मचारियों के निष्पक्षता, संविधान की सर्वोच्चता के भावना को चुनौती दे रही है। संविधान में फेरबदल की मंशा अधूरी रहने पर सरकार ऐसे फैसले ले रही है। ये पिछले दरवाजे से सरकारी दफ्तरों पर संघ का कब्जा कराने की कोशिश है। ये सरदार पटेल को संघ की ओर से दिए गए आश्वासन का उल्लंघन है, जिसमें संघ को सामाजिक संस्था के रूप में काम करने का वादा किया गया था। कांग्रेस के नेता सरकार के इस फैसले को लेकर चाहे जितना विरोध जता लें, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अभी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। सर, एक और सवाल आरएसएस को लेकर के, आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा भैया अभी मेरा नीट पे फोकस है। हालांकि विपक्षी दल के नेताओं के हिसाब से सरकार का ये फैसला संविधान के खिलाफ है। आज आरएसएस ज्वाइन करेगा, कल तमाम और धार्मिक संगठन है उनकी गतिविधियों को ज्वाइन करेगा, तो सरकारी कर्मचारी निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर खसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। पहले चोरी छुपे जाते थे, अब सरकार ने अधिकृत ऊपर कर दिया, अब उसका कोई इलाज निकाला जाएगा विपक्ष की तरफ से। इनके जो कार्य हैं समाज में नफरत फैलाने वाले, उसके कारण इनके ऊपर रोक लगाया गया।